बहनों ने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर की दीर्घायु की कामना। हरमाड़ा परिक्षेत्र में रक्षाबंधन पर्व धूमधाम से मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके दीर्घायु की कामना की। भाइयों ने बहनों को शगुन देकर जीवन भर उनकी रक्षा करने का प्रण लिया। ट्रेनों और बसों में आपाधापी का माहौल रहा। परिवहन निगम द्वारा बहनों के लिए की गई निःशुल्क यात्रा व्यवस्थाएं कम पड़ गईं। सुबह 5 बजे से ही रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भीड़ भाड़ रही। मुश्किलों के बीच बहनों ने सफर कर अपने भाइयों के घर पहुंचकर तिलक कर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। भाइयों ने बहनों को उपहार के रूप में शगुन देके रस्म अदा की। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में अधिक भीड़ होने से यात्रियों में आपाधापी का माहौल रहा। सीटें फुल होने पर बड़ी संख्या में यात्रियों को खड़े होकर सफर करना पड़ा। उधर परिवहन निगम ने बहनों के लिए फ्री यात्रा की व्यवस्था की थी, जिसका असर देखने को मिला। बसों में भीड़ भाड़ रही और बहनों को पैर रखने तक की जगह नहीं मिली। यात्रियों को घंटों तक बसों का इंतजार करना पड़ा, जिससे उमस भरी गर्मी में यात्री पसीना पसीना हो गए। आपको बता दें कि रक्षाबंधन को लेकर सुबह ही बहनें त्योहार के लिए तैयार हो गई थी। बहनों ने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। इस मौके पर बहनों ने रक्षा का भाइयों से वचन लिया। अधिसंख्य बहनों ने घर पर ही राखियां तैयार की थी, लेकिन फिर भी कुछ बहनों ने भाइयों से मिलने और राखी बांधने जाते समय बाजारों में राखी और मिठाई खरीदी।